मेरी गुरु माँ को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। सही कहा, अच्छा नहीं होगा ना तुम्हारे लिए ना तुम्हारी इस गुरु माँ के लिए, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा करना सीखा ही नहीं। तुम बस ये सोचो, डायन जब बुरा करने पे आएगी तो तुम्हारा क्या हाल करेगी। वेदश्री ने दैविक दैविक कह के आसमान में चढ़ा दिया, इसीलिए तुम ये भूल रही हो पांडाप में मैंने तुम्हारा और तुम्हारे इस गुरुमा का क्या हाल किया था। लेकिन इस बार वो हाल करूंगी तुम कभी नहीं भूल पाओगी। रुको! सन्नाटे जनकार उठे हैं, रातों के श्रृंगार उठे हैं, भूत पिशाच और डायन शक्ति सब मिलके अब जाग उठे हैं। कर दो ये उपकार भवानी, सबकी हो उपकार भवानी। तमाशे सच को भी मिलते हैं, जहाँ से झूठ की ताकत बड़ी हुई है, दैविक को डायन है फांसे, दैविक को डायन है फांसे। सच का दीपक बुझा हुआ है, ये कैसा इंसाफ पे तेरा, धाओं पे अस्तित्व लगा है, तार तार हो झूठ का घेरा। अबलों को बरसा दे अम्बे, सत्य शक्ति दर्शा दे अम्बे, अबलों को बरसा दे अम्बे, सत्य शक्ति दर्शा दे अम्बे। सही और गलत सोचने की जरूरत तुझे नहीं है पिया, क्योंकि होगा वही जो माता की मर्जी होगी, तो बस मन में भरोसा रखना। समझ गई माँ, आपका इशारा मैं समझ गई। अब आपकी पिया उसी रास्ते पर चलेगी जो रास्ता आपने उसके लिए चुना है।
क्या हुआ छुटकी? अब तो तेरी दैविक इस घर में आ गई है, अब भी तू परेशान है? कहीं तेरी वो दैविक डर के भाग तो नहीं गई? जिसका जन्म डायन का विनाश करने के लिए हुआ है, वो तेरा विनाश किए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मेरा विनाश करेगी? वो भी तेरी वो दैविक जो मुझे देखते ही दुम दबा के भाग गई। जिस रफ्तार से भागी थी अब तक तो वो बांदा पहुंचने वाली होगी। मैं यही हूँ। मैं जानती थी कि तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी पिया। मैं जानती थी। डरो मत पिया, तुम्हें इस डायन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि तुम दैविक हो। अब मुझे किसी का डर नहीं आती जी, क्योंकि देवी माँ मेरे साथ है। झूठ बोला तुमने मुझसे, तुम दैविक नहीं हो। क्यों किया तुमने ऐसा बताओ रूबी, क्यों किया तुमने ऐसा? रूबी आई एम रियली सॉरी, मुझे इस वक्त ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके अंश, तुम बिल्कुल बहुत अच्छे हो। अब बस ये पता चल जाए कि वो डायन कौन है जिसने मेरी माँ को पत्थर बना दिया था। Don't worry, Ansh. उस डायन को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या हुआ? मुझे यहाँ देख के तुम्हारे मुंह की हवैया क्यों उड़ गई? तुम तो दैविक हो ना, तुम्हें मुझसे डर भी नहीं लगता, फिर क्यों घबरा गई? गुरु माँ को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। सही कहा, अच्छा नहीं होगा ना तुम्हारे लिए ना तुम्हारी इस गुरु माँ के लिए, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा करना सिखा ही नहीं। तुम बस ये सोचो, डायन जब बुरा करने पे आएगी तो तुम्हारा क्या हाल करेगी।
वेदश्री ने दैविक दैविक कह के आसमान में चढ़ा दिया। इसीलिए तुम ये भूल रही हो पांडाप में मैंने तुम्हारा और तुम्हारे इस गुरुमा का क्या हाल किया था। लेकिन इस बार वो हाल करूंगी तुम कभी नहीं भूल पाओगे। रुको! तुम ये मत समझना तुम्हारे इस पैतरे से मैं डर जाऊंगी। पिछले 200 सालों से मैं देखते आ रही हूँ तुम्हारे जैसे ना जाने कितने आए और कितने चले गए, लेकिन इस बार जाने की बारी तुम्हारी है। देखते हैं, खेल तो अभी शुरू हुआ है। वैसे ये खेल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। तुम्हारी हार तय है, बस देखना ये है तुम कितनी जल्दी हार मानती हो। मुझे इसे डराने के लिए कुछ करना पड़ेगा।